हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज बढ़ रही है PYQ को लेकर, और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं GATE 24 इंस्ट्रूमेंटेशन को आया हुआ मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड इसका जो नंबर मेंशन है दैट इज 49, मतलब ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, एंड इसका कंजुगेट जो है दैट इज दिस। ओके, आगे क्या बोल रहा है? बोथ आर एनालिटिक, बहुत ही बढ़िया खूबसूरती के साथ बोल रहा है एनालिटिक इन गिवन डोमेन। डोमेन तो अनिवार्य है, कोई भी फंक्शन एनालिटिक है उसको किसी डोमेन में ही चेक करते हैं। हमने जब कॉम्प्लेक्स पढ़ा यही चीज के बारे में चर्चा करी। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डीप एनालिसिस भी हमने करी। उस डीपनेस के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कुछ भी समय जाया नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे IIT का क्या मकसद रहा होगा पढ़ते हैं। फिलहाल क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन। ओके, सिर्फ आपको बोल दिया गया है कि दो फंक्शन है और दोनों जो है वो भी और उसका कॉन्जुगेट भी दोनों फंक्शन एनालिटिक है, तो इसमें से क्या क्या पॉसिबल है। जब हमने एनालिटिक क्वेश्चन एनालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की पढ़ा, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक होगा, तो हमने क्या पाया था? सिंपल सी बात है, डेल यू बाई डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। CR इक्वेशन इसे हमने बोला, कॉची रिमान इक्वेशन। लेकिन साथ में एक और कंडीशन, यदि यू को आप वाई के रिस्पेक्ट में यदि कर रहे हो तो माइनस साइन वुड बी देयर एंड दिस वुड बी dv by dx लाइक दिस। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तब जाके हम बोल सकते हैं एनालिटिक है। बट चूंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे मेंशन कि एनालिटिक है, मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए। आइए जरा देखते हैं क्या है। अरे यार, ये बराबर तो है लेकिन ये तो बोल रहा है कि जीरो होना चाहिए। ये बराबर तो है लेकिन ये बोल रहा है कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जीरो की क्या कला आ गई? दूसरी बार ये बोल रहा कि फंक्शन डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब क्या, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ी, कोई सा भी फंक्शन हुआ वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए तभी जाके वो एनालिटिक होगा, ये हमने पढ़ा। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, एनालिटिक होगा, पूरा पढ़ा है हमने, अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। वहां जो पढ़ा है यहाँ पे अप्लाई करना है, सीधी सी बात है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, ये मुद्दा क्या है? यदि ये इक्वल टू ये जो कहानी जीरो नहीं होता तो आप बिल्कुल इसको सत्य मानते आगे बढ़ते, बट अभी जीरो है तो चलो एक फंक्शन बना के देख लेते जो एनालिटिक हो बाय नेचर। अच्छा, तो एफजेड को एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आई, सिंपल यही मान लेता हूँ, चलो इसको भी हटा दो, एक्स प्लस आई वाई ही मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। यदि यहाँ पे आप यू देखोगे तो वो होगा एक्स, और वाई देखोगे तो वो हो जाएगा वाई। सो डेल यू बाई डेल एक्स करने की कोशिश करोगे तो वन आएगा, डेल वी, ये वी है, बाई डेल वाई करोगे तो ये भी वन आएगा, दोनों बराबर है, ठीक है। डेल यू बाई डेल वाई करोगे तो शून्य आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स करोगे तो शून्य आएगा, मतलब ये एनालिटिक फंक्शन है मेरे लिए। लेकिन मुझे फंक्शन ऐसा चूज करना कि उसका कॉन्जुगेट भी एनालिटिक हो, ये बोल रहा है क्वेश्चन। एक्स माइनस आई वाई भी एनालिटिक होना, आइए चेक करते जरा, इसको चेक करते हैं, ठीक है, चेंज कर लेता हूं मैं इसको। जब हम चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वन आता है, लेकिन डेल वी बाई डेल वाई जो है ना वो आता है माइनस वन। सो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कॉन्जुगेट एनालिटिक नहीं है। यदि मैं फंक्शन चूज कर लूँ ये तो उसका कॉन्जुगेट एनालिटिक नहीं हुआ, तो फंक्शन ऐसा चूज करूँ कि जिसका कॉन्जुगेट क्या हो, एनालिटिक हो। तो आप कुछ भी करके देख लो, आप पाओगे कि यदि आपने फंक्शन लिया एक कांस्टेंट नंबर लाइक दिस ले लीजिए 4, इस केस में इसका कॉन्जुगेट और ये खुद एनालिटिक होगा। आप चाहे तो करके देख ले, डेल यू बाई डेल एक्स
डेल वी बाई डेल वाई होंगे और दोनों जीरो आएंगे। ठीक है, मतलब ये वाली बात एकदम सत्य है। आइए जरा दूसरा कर लेते हैं, डेल यू बाई डेल वाई कर लेते हैं, डेल वी को डेल एक्स कर लेते हैं और ये भी जीरो आ रहे हैं। बट यहाँ पे जीरो के नॉट इक्वल बोल रहे हैं तो ये गलत बात हो गई। ठीक है, डिफरेंशिएशन पता कर लेते हैं। चलिए, डिफरेंशिएशन पता करोगे तो क्या पाओगे, डिफरेंशिएशन भी जीरो आ रहा है। बिल्कुल अटल सत्य बात है, ये वाली गलत बात है। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ए एंड सी ये आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। इट सिंपल है। आईटी क्या चाह रहा होगा, आईटी ये कतई नहीं चाह रहा था कि सिर्फ सीआर इक्वेशन जिसकी खोपड़ी में है वो ये क्वेश्चन बना दे। आईआईटी चाह रहा था सीआर इक्वेशन के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना, क्योंकि आईआईटी ने सोच के रखा है कि जो क्रीम बच्चा होगा जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी वो डिटेल में चीजों को जान रहा होगा और ये क्वेश्चन कर देगा। और जैसा कि हम डिस्कशन करते आए हैं, आईआईटी ने एग्जामिनेशन ऐसे ही सेट करी है कि क्रीम बच्चा निकल आए और बाकी सब खत्म हो जाए। क्वेश्चन कोई स्पेशल कैटेगरी का नहीं था, मॉडरेट ही हम इसे बोलेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, काम बन जाता। और भी अलग तरीके से आप सोच सकते हो, ये भी एक सोचने का तरीका है।